लीडर रहेगा, जवान लीडर रहेगा, जवान 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 रहेगा, जवान जवान अफसर रहेगा, जवान जवान अफसर रहेगा, जवान रिटायरमेंट के बाद में कोई जवान 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 ही नहीं है वो, 2400 घंटे रिस्क में रहता है। उसकी MSP क्या होनी चाहिए थी? कम से कम 20,000। अगर इनसे तुलना करते तो उनकी MSP होनी चाहिए थी 20,000 रुपए, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसको दी सिर्फ। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे, जंतर मंतर पे। मैं देख रहा हूं कि दिन ब दिन पूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर आंदोलन बढ़ता जा रहा है। बहुत लोग संख्या में अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, सुदूर पूर्व क्षेत्रों से आ रहे हैं, सब जगह से जवान आ रहे हैं। और आज जो जवान आए हैं वो ऐसी जगह से आए हैं जिनको आप, मैं बता दूं, वो है पहला स्वतंत्रता संग्राम। अगर आपको याद होगा तो मंगल पांडे की बात जब कही जाएगी या जब कहा जाएगा कि सेना चल, जो स्वतंत्र क्रांतिकारियों की सेना या क्रांतिकारियों की जो फौज थी जिन्होंने बगावत की और वो मेरठ से चल के आए थे दिल्ली, तो उसी धरती से आज लोग, कुछ लोग आए हैं। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से आए हुए, मेरठ से आए हुए पूर्व सैनिकों से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमपाल सिंह बाना, मैं मेरठ से, और आज हमारा जो धरना है वो मेरठ की तरफ से जारी है और ये 25 तारीख तक जो है ये धरना चलेगा। धरने का कारण यही है कि हमारी जो है जो 2ORFP है उसकी विसंगतियों के कारण में नाराज़गी जाहिर करना है, और उम्मीद ये करते हैं कि सरकार जो है सैनिकों के लिए जो है सोचती है तो हमारी प्रार्थना पे भी वो ध्यान देगी, और जो विसंगति है जिसका हम विरोध कर रहे हैं, जो हम चीज़ बता रहे हैं, उस पर अपना विचार रखेगी और या सोच करके उसका हल करेगी, ये उम्मीद से हम यहाँ पर बैठे हैं। जब ORP 2 के अंदर 23,000 करोड़ रुपया लगभग मिला तो विसंगति कहाँ रह गई? क्योंकि सरकार की मंशा तो देने की थी, तभी दिया गया पैसा। क्या बंदरबांट हो गया पैसे का? क्या हुआ पैसे के साथ? विसंगति जो ये है कि जिसकी जो बेसिक पे है उसके आधार पे उसका जो इंडेक्स नंबर है वो उसको मिलना चाहिए। अगर हमारी बेसिक पे हमारा भी इंडेक्स नंबर वही हो और जो अधिकारी की बेसिक पे है उसका भी इंडेक्स नंबर हो तो अंतर वही आएगा, हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। हमारा फ़ायदा जो है, जो हमें मिलना चाहिए था वो कम हो गया, उनको इंडेक्स नंबर कुछ दे दिया, हमें कुछ दे दिया, जबकि हम रिटायर होने के बाद में सब एक समान हैं। तो उस विसंगति को हम कह रहे हैं कि जो इंडेक्स नंबर आपने टैली में लगाया है वो हमें मिलना चाहिए। जब कहते हैं वन रैंक वन पेंशन, तो जो JCO होते हैं या जो ऐसे अफसर, ऐसे लोग होते हैं जो अफसर बनते हैं लेकिन वो पदोन्नत होकर अफसर बनते हैं, ना कि कमीशन होकर, तो पद तो बराबर होता है लेकिन क्या तनख्वाह भी फर्क हो जाती है उन लोगों की? हाँ, तनख्वाह फर्क हो जाती है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो इन्होंने जो है टैली बनाई, जो तरीका बनाया, वो तरीका मिलना सबको चाहिए। 2.81 है या 2.75 है, जो भी उन्होंने बनाया वो सभी को मिलना चाहिए। उसका अंतर तो वही रहेगा, समझने का फर्क है भाई, जिसकी बेसिक पे है उसको कम मिलेगा, जिसकी ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिलेगा। MSP की बात लगातार होती है, हार्डशिप अलाउंस है, सबका शरीर समान होता है और जो परेशानियां झेलता है जवान वो अफसर से कहीं ज़्यादा झेलता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि बर्फ में जवान ही सोता है, अफसर तो के लिए फिर भी इंतजाम होता है, तो MSP पे क्यों भेदभाव हो रहा है? ये तो गवर्नमेंट बताएगी क्यों कर रहे हैं वे, जबकि जवान ज़्यादा करता है, अफसर आराम से सोता है, रात को जवान ड्यूटी देता है। MSP पे ऐसा देखा गया है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी या हर जगह MSP लगभग समान रहता है, लेकिन ये क्या नया फॉर्मूला आया कि अफसर MSP में ज़्यादा ले गए और जवानों को कम मिला? ये फॉर्मूले के खिलाफ ही तो आज हमें जंतर मंतर पर आना पड़ा है, ये मांग हमारी पहले से रही है। दरअसल मैं बता दूं, मैं कैप्टन राजेश चौधरी, जिलाध्यक्ष भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ जिला हापुड़ से, आज जो मेरठ का जंतर मंतर पर धरना चल रहा है उसके सहयोग में हम सब लोग उत्तर प्रदेश के आए हुए हैं, और आपने MSP की बात रखी है तो उन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए हमें मजबूर होकर जंतर मंतर पर आना पड़ा है, जो कि MSP के जो केस हैं वो कोर्ट में भी अभी तक चल रहे हैं। और ये सरकार से हमारा अनुरोध है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी विसंगतियाँ सरकार के अधिकारियों ने या सरकार के अधिकार का दुरुपयोग करते हुए
हमारे PBOR के साथ में की गई हैं, उनमें सुधार किया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। OROP की जब बात करते हैं तो बेसिकली ये मोदी जी ने भी ऐसा कहा था, उन लोगों के लिए बनाई गई थी, उन जवानों के लिए बनाई गई थी जो कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, जिनका जो फौज में समय होता है वो 13-15 साल लगभग या 17 साल ऐसे होता है, लेकिन जो अफसर रिटायर होता है वो 58 साल तक अपनी नौकरी करता है और रिटायर होता है। अफसर को उतना OROP से उतना फ़ायदा मिलने की जगह जवानों को ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए, लेकिन अफसर तो पदोन्नति भी ले लेता है, आगे बढ़ता चला जाता है, तनख्वाह भी बढ़ती है, उसकी सैलरी भी बढ़ती है, लेकिन जवान को बहुत कम अवसर मिलता है सेवा देने का देश के लिए। तो जब 15 साल या 17 साल मिलेंगे तो डेफिनेटली उसका तो सैलरी भी कम होगी और उसकी जो पेंशन बनेगी वो भी कम होगी, पहले ही कम है, उसके ऊपर पेंशन में भी भेदभाव। तो क्या लगता है कि जो 97% देश के अंदर जवान हैं उनके साथ अफसरों ने नाइंसाफ़ी की है, सरकार ने की है? नहीं, ये दोनों ही चीज़ें मिलकर के हुआ है कि अफसर अगर चाहता तो हमारा पक्ष रख सकता था, उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा और अपने पक्ष को लेकर के वो जो है एक तरफ उनके साथ मिल गए, जो वित्त मंत्रालय जो भी इनका जो मनाई बोर्ड था, तो उन्होंने अपना पक्ष अपना रख करके अपना फ़ायदा कराया, हमारे बारे में नहीं सोचा। देखिए ये बात बड़ी गंभीरता से सोचने वाली है कि जब तक लीडरशिप आप खुद नहीं लेंगे, जब भी आप रहनुमा बनाएंगे या जब भी आप मसीहा बनाएंगे अपने लिए किसी और को, तो आपका हक वो मार सकता है क्योंकि उसके हाथ में सारी पावर होती है। जवानों की मुश्किल ये है कि उन्होंने अपना मसीहा अफसर को माना, वो अफसर जो लगातार जिसपे आरोप लगते रहते हैं कि वो शोषण करते हैं और उन्हीं की सरपरस्ती में इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, उसका खामियाजा OROP 2 में जवानों ने भुगत लिया। अब क्या इससे कोई सबक लेंगे, अपनी लीडरशिप को चुनेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है। जब छठा पे कमीशन लागू हुआ था तो उस समय MSP आई थी और MSP जो है एक जोखिम भत्ता के रूप में दी जाती है, उससे किसी की क्वालिफिकेशन का योग्यता का कोई लेना देना नहीं है। MSP है आपके जो जीवन है, जो लाइफ है, उस लाइफ के बदले जो रिस्क है उसके बदले दी जाती है। रिस्क तो जवान को सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको 10,500 रुपये MSP दिया गया। चलिए वो लेडीज हैं, फील्ड में जाती हैं, उनका रिस्क है, नहीं आप सुन लीजिए थोड़ा सा, उनको 10,500 मिला, उससे ज्यादा रिस्क है अफसर का जिसको 15,500 रुपये मिला। लेकिन जो JCO और जवान हैं वो 100% ऑल टाइम 24 आवर्स वो एक्सपोज होता है, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो 2400 घंटे रिस्क में रहता है। और उसको 5200, उसकी MSP क्या होनी चाहिए थी? कम से कम 20,000। अगर इनसे तुलना करते हैं तो उनकी MSP होनी चाहिए थी 20,000 रुपये, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसको दी सिर्फ 5200 रुपये। ये यहाँ पर सबसे बड़ा भेदभाव, ये बहुत बड़ा भेदभाव है। मैं साथ में ये भी बात, जो मैंने प्रश्न उठाया MSP की बात रखी इन्होंने, लीडरशिप की बात कर रहा था मैं, जब आप लीडरशिप किसी दूसरे के हाथ में देंगे, अब क्या जवान खुद लीडरशिप करने के काबिल है, क्या करेगा अपने मुद्दे पे? बिल्कुल करेगा, या फिर से कोई अफसर आएगा और फिर अफसर पस्ती में उसके करेंगे? नहीं, अब खुद हम अपने आप करेंगे। हाँ भाई, अफसर लीडर रहेगा, जवान लीडर रहेगा, जवान अफसर रहेगा। देखिए ये जो बात अब खुल के आ रही है कि नेतृत्व भी खुद करना पड़ेगा, ये सब जवानों ने अब ये तय कर लिया है कि जवान अगर बॉर्डर पे नेतृत्व दे सकता है, JCO अगर पलटन को संभाल सकता है तो अपना मुद्दा भी लड़ सकते हैं, इनको किसी अफसर की कोई जरूरत नहीं है, खुद पढ़ेंगे, खुद प्रावधान देखेंगे और अपनी लड़ाई अपने कंधों पे जवान अब खुद लड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर इनको कोई बरगला नहीं सकता, इनका हक कोई मार नहीं सकता, क्योंकि जब नेतृत्व अपने हाथ में होता है तो सही निर्णय होता है। आपको क्या लगता है कि जवानों को उनका हक मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बात दूर दूर तक पहुँचाइए, जनता को जगाइए, सरकार पर दबाव डालिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत। थैंक यू।